जैसा कि आप सभी को पता ही है, अभी हाल ही में इंडियन क्रिकेट के कप्तान रह चुके एमएस धोनी ने अपने एक प्रोडक्शन हाउस की अनाउंसमेंट की थी। इस प्रोडक्शन हाउस का नाम इन्होंने धोनी एंटरटेनमेंट स्टूडियो रखा था। प्रोडक्शन हाउस के अनाउंसमेंट के समय सुनने को मिला था कि बहुत ही जल्द हमें इस प्रोडक्शन हाउस से एक बड़ी फिल्म देखने को मिल जाएगी। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि धोनी का यह प्रोडक्शन हाउस साउथ की फिल्मों को प्रोड्यूस करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले इस प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। ये फिल्म साउथ की फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के टाइटल के साथ फिल्म की कास्टिंग की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है और कहा गया है कि ये फिल्म हमको जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म का नाम होने वाला है लेट्स गेट मैरिड। इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये फिल्म धोनी एंटरटेनमेंट हाउस की पहली फिल्म होने वाली है। इसीलिए सभी लोग इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को तमिल के साथ साथ और भी कई सारी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, पर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से अभी ये खबर नहीं आई है कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा या नहीं। इस फिल्म के टाइटल के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म की कास्टिंग की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस फिल्म में हमें लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार हरीश कल्याण देखने को मिलने वाले हैं और हीरोइन के रोल में साउथ की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस लबाना देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक रमेश थिल्मानी के डायरेक्शन में बनाया जाएगा और यह फिल्म धोनी एंटरटेनमेंट हाउस की पहली फिल्म होने वाली है। इसीलिए इस फिल्म को एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी प्रोड्यूस करेंगे। वहीं बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो ये फिल्म धोनी एंटरटेनमेंट हाउस की पहली फिल्म होने वाली है। इसलिए फिल्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म में हमें फैमिली ड्रामा के साथ साथ रोमांटिक सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म को लेकर लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। लोग इस फिल्म को जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, पर अभी तो इसकी अनाउंसमेंट ही हुई है। अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसको जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि यह फिल्म हमें 2023 के लास्ट में या फिर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाए। जैसे ही फिल्म के टीजर को रिलीज किया जाएगा, तभी हमें फिल्म के रिलीज डेट के बारे में पता चल जाएगा। और यह फिल्म धोनी एंटरटेनमेंट हाउस की पहली फिल्म होने वाली है, इसीलिए वो इस फिल्म को ग्रैंड लेवल पर रिलीज करेंगे। सभी लोगों को इस फिल्म से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। बस धोनी स्टूडियो की इस फिल्म के लिए हमें थोड़े और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। और आज की वीडियो खत्म होती है, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक लाइक गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।